नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तर्कम सदयन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 12वें चैप्टर द लेवल्स ऑफ कर्मा के बारे में। दोस्तों, काफ़ी एक लंबे अंतराल के बाद मैंने अभी ऑडियो रिकॉर्ड किया है, तो चलिए दोस्तों जहाँ से छूटा था वहीं से शुरू करते हैं। जो कर्म का जो दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स होते हैं कर्म का काउंटिंग के लिए, वो क्या है? दो चीज़ हैं दोस्तों। एक पहला आलोचना या क्रिटिसिज्म, दूसरा नोजीनेस, यानी दूसरे की ज़िंदगी में हम जब ताकझाँक करते हैं, जब हम ताकझाँक करते हैं दूसरे की ज़िंदगी में, उसी को, ये दो फैक्टर्स जो हैं हमारे कर्म को, कर्म के खाते में योगदान, बड़ा योगदान इन्हीं दो फैक्टर्स का रहता है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ये जो, या नोजीनेस, शायद हमारे ज़िंदगी का डेली अफेयर, जो डेली हमारे काम चलते रहते हैं, हम डेली बहुत बार इन चीज़ों के साथ हम फेस करते हैं। हम खुद भी क्रिटिसिज्म या नोजीनेस करते हैं, कई बार हमारे साथ वो होता है, तो हमारे ज़िंदगी में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं डिटेल में। क्रिटिसिज्म क्या है? हम क्रिटिसिज्म मतलब हम दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप करते हैं और हिंसक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। मतलब हम जब किसी की आलोचना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, मेरा व्यू पॉइंट ही करेक्ट है, तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है, ये इस वे में होना नहीं चाहिए, मेरा रास्ता सही है। मतलब यहाँ पे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, और आप में कोई गुण नहीं है, आप सारी गलतियाँ कर रहे हो, तो आपका वो जो भी आप रास्ता अपना रहे हो वो गलत है। तो एग्जैक्टली हम क्रिटिसिज्म में यही करते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर हमने किसी को ये क्रिटिसिज्म में ऐसा क्रिटिसाइज़ करते हुए, हम क्या करेंगे, उस जो सामने वाले बंदे को इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उसने हमारे हिसाब से अपना रास्ता बदल दिया। सपोज़ उसको, वो अपने रास्ते से उसको जाना था, लेकिन उसने हमारे क्रिटिसिज्म से तंग आकर, या फिर फोर्स्ड होकर, या फिर हमने उसको इतना बाध्य कर दिया कि वो हमारा रास्ता अपनाए, हम जैसा चाहते हैं वैसा करे, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है? उस सिचुएशन में अगर वो अपने रास्ते से, अगर अपना कर्म अपने हिसाब से वो कर रहा, अगर रहता सामने वाला बंदा, तो वो क्या कर रहा, वो अपनी गलतियों के हिसाब से उसको अपने कर्म के खाते में, उसके कर्म में जाते, लेकिन जी उसको, वो हमने उसको अपने रास्ते चलने ही नहीं दिया, हमने क्रिटिसाइज़ करके उसने हमारी मर्ज़ी के हिसाब से अपने रास्ते को मोड़ा है, तो इन दैट केस उसको क्या होगा दोस्तों? उसको उसका जो काम करने का तरीके में जो भी गलतियां होंगी, वो उसके अकाउंट में वो कर्म नहीं जाएगा दोस्तों, वो हमारे कर्म के अकाउंट में आएगा। तो सोचिए दोस्तों, कर्म कितना डेंजरस हो रहा है। मतलब हम जब कोई भी चीज़ के लिए किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम यही प्रूव कर रहे हैं कि हम, आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इसमें क्या दिखा रहा है? हमारा गर्व, घमंड और ईर्ष्या और इंसल्ट। हम सामने वाले को इंसल्ट करके हमें खुशी मिलती है, तुम में तो कोई गुण नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम इस चीज़ का मतलब डिज़र्व नहीं करते हो, इस तरह का बिहेवियर हम दिखाते हैं उसके साथ। लेकिन हम इतने परफेक्ट हैं कि हम में कोई अवगुण नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई वाइसेस नहीं है? इज़ इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी कुरीतियाँ, हमारे जो गलत चीज़ें हैं, हम उसको छिपा लेते हैं और खुद को परफेक्ट, मतलब एक इमेजिंग करते हैं अपनी, एक मैं परफेक्ट इमेज प्रोड्यूस करती हूँ। एक्चुअल मेरा अंदर कुछ बहुत सारे, मेरे अंदर के गुण अवगुण, मेरे नेगेटिविटी, मेरे में लाख बुराइयाँ होंगी, पर बाहर जब पिक्चराइज होता है तो मैं कैसे पिक्चराइज़ करती हूँ खुद को? परफेक्ट इंसान की तरह, तभी मैं दूसरे का क्रिटिसाइज़ करूँगी। इसी तरह अभी हम समझते हैं, मतलब सामने वाले इस जो ये एक्शन और उसका रिएक्शन आ रहा है, ये किस तरह से काम करता है दोस्तों, उसको चलिए समझते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, दूसरा जो क्रिटिसाइज्ड हो रहा है, या जिसकी हम क्रिटिसाइज़म कर रहे हैं। तो वो दोनों
वो क्या कर रहे हैं, एक पास जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो बोल रहा है आई एम द बेस्ट, मैं एकदम खूब, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा व्यू पॉइंट करेक्ट, मैं करेक्ट, सब मेरा सही। और जो क्रिटिसाइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका व्यक्तित्व में दोष है, उसकी वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है, वो डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि मुझे आप उसको, मैं उसको अगर मान लीजिए क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ किसी को, तो वो नेचुरली वो मुझे उसका हम दोनों में एक रिलेशनशिप है जो उसको, वो उसमें क्या होगा, मैं उसकी दुश्मन बन जाऊँगी, वो मुझे अपना शुभचिंतक कभी भी नहीं समझेगी या समझेगा, वो क्या सोचेगा कि ये सामने वाली, ये तो मेरा सही सोच ही नहीं है, ये मुझे क्रिटिसाइज़ करके मेरा इंसल्ट कर रहा है। तो हम दोनों में नेचुरल एक जो रिलेशनशिप एक होता होना चाहिए था, एक एक जो एक रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप हम दोनों में था, वो मैंने क्रिटिसाइज़ करके उसको नष्ट कर दिया है। नेचुरली मैंने अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया तो आप तो दुआ मुझे देने से रहे, आप भी मुझे गालियाँ दोगे मन में, अगर सामने बोलने की हिम्मत ना हो तो मन में भी वही भेजेंगे मेरे लिए। तो एक जो रिलेशनशिप, एक एक सुख या शांति या एक सौहार्द का एक रिलेशनशिप जो होना चाहिए था वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो छूट जाता है। और जब हमारी पोजीशन एक शिक्षक या फिर एक नेता की होती है तो ये और एक लेवल पे इस कर्म, ये कर्म बनाती है। मतलब हम एक, मतलब जब ये पोजीशन में होते हैं, हम एक नेता होते हैं, लीडर होते हैं, या फिर एक जब टीचर होते हैं, तो हमें एक इस अभिव्यक्ति का विश्लेषण करना चाहिए और छात्रों का ध्यान उच्च स्तर पर बुलाना चाहिए जब वो सोचता है कि उस स्तर में के लिए वो तैयार है। मतलब अगर दोस्तों हम अगर इसको समझे, देखिए अगर एक टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। एक टीचर रहता है अपने बच्चों को, वो पढ़ा रहा है, बच्चा एडिशन सीख रहा है, उसको हम अगर वो एडिशन में स्लो है, वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है या नया है, उसमें वो स्किल्स आई नहीं है, तब हम उसको डिवीज़न सिखाएंगे और डिवीज़न सिखा के उसको इंसल्ट करेंगे कि तुमसे तो एडिशन भी नहीं हो रहा, तुम डिवीज़न कहाँ से करोगे। अरे बच्चा तैयार ही नहीं है डिवीज़न के लिए, वो एडिशन सीख रहा है, उसको एडिशन में ही उसको अपनी वो हर्डल्स है, उस हर्डल्स को उसको क्रॉस करने के बाद ही वो इस लेवल पर आएगा। तो हम उसको बिना सोचे समझे उसको सब सिखा दें, एक ही दिन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सिखा दें, और तो फिर हम उसको इंसल्ट करने लगते हैं कि बाकी बच्चों ने तो कर दिया, तुमसे ही नहीं हो रहा है, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी है नहीं, तुम्हारी आईक्यू लेवल लो है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लो है, तुमको नॉलेज नहीं है, इस तरह से हम इंसल्ट करते हैं। यदि अगर हम इस तरह के इंसल्ट जब करते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा भी उब जाता है, बच्चा भी कोशिश नहीं करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कि मेरे में वो नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, आई एम वीक इन मैथ्स, मेरे को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मुझे डांट रहा है, कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा है मुझे, या मेरी सिचुएशन को कोई समझ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे जैसे अगर आप कभी टीचर के पोजीशन में होते हो तो आलोचना का जो आप जब आलोचना करें बच्चों की तो किस लेवल पे इफ़ेक्ट हो जाता है, एग्जैक्टली वही होगा, लीडर का आपका फॉलोअर्स रहेंगे, नेता के अगर फॉलोअर्स हैं तो फॉलोअर्स का भी वही है। जब वो अगर उस स्थिति के लिए तैयार हो तभी हमें उस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, और उनके दोषों पे या फिर उनके अवगुणों पे केंद्रित अपना जो फोकस है वो ना रखते हुए उनकी अच्छी मतलब चीज़ें जो उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो वो बहुत अच्छा करता है, उस चीज़ को हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो क्रिटिसिज्म का जो अगर हमें कोई गुण विकसित करना है, एक्चुअल कई लोग यही भी बोलेंगे ना दोस्तों कि क्रिटिसिज्म हम करते क्या हैं, हम जो क्रिटिसिज्म करता है, जो क्रिटिसाइज़ करता है वो एक ये तर्क देगा कि मैं तो सामने वाले की भलाई के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मतलब वो सीखे उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो ये तरीका, जो क्रिटिसिज्म का तरीका, ये रॉन्ग होता है। इसको अगर हमें किसी में कोई गुण विकसित करना है तो हमें उसकी आलोचना करते हुए नहीं, उसको जो चाहिए हमें विजन, जो दिखना होना चाहिए, तो उस चीज़ का विजन उसको दिखाना होगा, मतलब वो गोल। मान लीजिए बच्चे का एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे ले रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, अच्छी तरह से अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा, अच्छी तरह से वो सब्जेक्ट को समझेगा,
तो उसकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छी होगी, उसके अच्छे नंबर्स आएंगे। उसको वहाँ पे हमें वो विज़न दिखाना होगा, उसको वो गोल दिखाना होगा कि उसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो आपकी पढ़ाई पे, आप ध्यान लगाओ, आप फोकस रहो, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो चाहिए हमने वही किया। दो तरीके हो गए, एक तो आलोचना करके उसको इंसल्ट किया कि इतना इंसल्ट किया कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है स्टडी में, लेकिन हमने क्या किया, दूसरा तरीका लिया कि उसके अच्छे जो भी और भी अच्छे गुण हैं, मान लीजिए वो बहुत स्पीड से लिखता है, या फिर उसकी हैंडराइटिंग एकदम नीट है, या फिर ऐसे कोई और एक गुण है जो अप्रिशिएबल है, तो उस अप्रिशिएशन के साथ उसको अप्रिशिएट करते हुए हम उसको मोटिवेट करना है कि आगे आप ये गुण अपने में डेवलप कर लो तो आप परफेक्ट बन सकते हो। इन डिटेल आपको वो एनालिसिस करते हुए ही क्रिटिसिज्म के मोड में नहीं जाना है, उसको मोटिवेशन के मोड में। एक टीचर या लीडर का पोजीशन तभी होता है कि वो जब वो मोटिवेट कर पाए अपने बच्चों को, या फिर अपने जो फॉलोअर्स हैं, एक नेता या लीडर अपने फॉलोअर्स को डिज़ायर्ड विज़न दिखाते हुए, जो भी आपका गोल है वहाँ पे कैसे पहुँचना है, क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या है आपके स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ के ऊपर और कैसे काम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें मतलब उनको गाइड करना होगा एज अ टीचर या लीडर। एक स्थिति का विश्लेषण करने में हमेशा प्रकाश और प्रेम ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। क्या है, लाइट एंड लव, यही दो प्रिंसिपल है हमारी जो एनर्जी है। अगर लाइट एंड लव, हम क्रिटिसिज्म में क्या कर रहे हैं, वो लाइट को काट रहे हैं, उसको डार्कनेस में धकेल रहे हैं, लव तो हो नहीं रहा क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ, तुम तो गंदे हो, मतलब जेलसी आ गया वहाँ पे, ईगो आ गया, मेरे कोई हिडन डिज़ायर भी आ गया कि मतलब अरे ये कैसे कर लेगा, ये इतना अच्छा कर ले, वो अगर इस फील्ड में इतना अच्छा कर रहा है तो और कहीं पे टांग खींच ले। ये हमारी आदत होती है नॉर्मली, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो लाइट प्रिंसिपल है, लव, लाइट एंड ब्यूटी, ये तीनों का हम नुकसान कर रहे हैं। जब हम इन तीनों की चीज़ों को परफेक्ट करते हैं दोस्तों, हम तक अभी तक क्या समझे हैं, हमारा काफ़ी भारी कम बनता है। तो हम अपना घमंड, ईर्षा और छिपे हुए उद्देश्य भी रहते हैं, मतलब जैसे हम छिपा के कुछ और हिडन एजेंडा के साथ हम उसको किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब इन चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं, नेगेटिविटी को, तो वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट कहाँ से आएगा, जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आम तो आने से रहा, क्या आएगा, वही नेगेटिविटी आएगी। कि आप ऐसा क्यों समझते हो कि, या इतने आप निश्चिंत कैसे हो कि आप ही सही हो, या फिर आप ही का दृष्टिकोण आवश्यक रूप में से सही है, तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि आप ही का दृष्टिकोण सही है, या आपका व्यू पॉइंट ही सही है, या फिर आप ही करेक्ट हो। हो सकता है वो उसके अपनी ज़िंदगी और अपनी स्थिति के बारे में उसको व्याख्या की ज़रूरत है, वो अलग सिचुएशन में है, उसके इंटेंशंस अलग हैं, उसको अलग कुछ करना हो, क्यों हमारे ऊपर उसके ऊपर थूपना क्यों है, ये भी कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने जीवन की स्थिति और अपनी स्थिति के बारे में वो एनालिसिस करके उसने अपना रास्ता वो बनाया है, तो उसके दृष्टिकोण को वो उसके लिए वो सही है। लेकिन हम जब बिना सच्चे समझे किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं तो भारी कर्म बनाते हैं। यहाँ तक अगर हम समझे, सबसे अच्छा है कि हम अपने समय को अपने कामों में व्यस्त करें, ना कि दूसरों के कामों को क्रिटिसिज्म करना कहें। मतलब वो आपका जो आपका खुद का ओन धर्म है, वो दूसरे के धर्म को उनको अपना काम करने दें, खुद के काम के ओर आप अपने कामों के ओर ही आपका ध्यान रखें। इवन भगवद गीता भी हमें इसी सच्चाई को व्यक्त करता है। शिष्य को अपने स्वयं का मतलब ध्यान रखना चाहिए और गुरु का अपना ध्यान रखना है। लेकिन गुरु का अगेन एक गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसमें शिष्य में चेंजेस आए या फिर एक सही गुण का विकास हो, तो वहाँ पे उसको एक इंडिपेंडेंट सोल मानते हुए उसकी इनर लाइकिंग और उसको क्या फॉलो करना है, परस्यू करना है, उसको समझते हुए, एनालिसिस करते हुए आप अपनी आत्मा के साथ उनको जारी रखें, आप अपना परस्यू जारी रखें। अभी हमने पहला हमने समझ लिया कि हमने देखा हमारा जो क्रिटिसिज्म का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नोजीनेस। नोजीनेस मतलब क्या, हमें दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करना है, हम वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके यहाँ पे इसने इसको ये कहा, उसने उसको ये कहा, वो हम जब बिचिंग भी इसी के अंदर ही आएगी ये चीज़ का।
टीचिंग हमेशा इस बात पर जोर देती है, अपने खुद के काम का ही आप ध्यान रखें, दूसरों की गोपनीयता पे हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि नोजीनेस कर्म का निर्माण करती है। मतलब एग्जैक्टली पड़ोसी मेरा कैसा रह रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कहाँ गया, वो क्या शराब पी, उसने एंजॉय की, उसने दुख से रो रहा है, उसने अपने परेशान किया लोगों को, हमारा कोई उसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वो उसका लाइफ है, उसको अपनी तरह से उसको जीने दे। उसने अगर वो सीक्रेसी मेंटेन करके वो अपने घर तक रुकना चाह रहा है तो हम उसमें क्यों पड़े। हम उनकी जो जानकारियों का हमारा कोई यूज़ नहीं है उस जानकारियों के साथ, बट फिर भी हमारी आदत, हम तो वही पता लगाते हैं, हम जानना चाहते हैं पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम नासमझ होते हैं। हम खुद को अन्य लोगों को मतलब उनके ग्लैमर कमजोरी भ्रम के साथ जोड़ लेते हैं और उनके ऊपर उनके लाइफ के ऊपर सेंसरशिप का कैंची चलाते हैं, ये उसने गलत किया, वो उसने सही किया, और इसी तरह से एक सिस्टम हम विकसित कर लेते हैं। वो फिर दूसरों की इच्छा का एक हमारी इच्छा उसके ऊपर थोपना है, मतलब क्योंकि मैं तो नहीं चाह रही थी कि वो ऐसा बिहेव करे, बट इट्स हिज लाइफ आफ्टर ऑल। वो जैसा अपने लाइफ में जीना चाह रहा है उसमें मेरा रोल क्या है। ज़िंदगी के जिस तरह से चाहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, जिस तरह से वो रहता है वो उसका अपना प्रयोग होना चाहिए। मतलब अगर वो उसकी लाइफ वो जो भी कर रहा है, अगर उसने मान लीजिए कोई गलतियाँ कर रहा है मेरा पड़ोसी, तो वो उसकी लाइफ है, वो अपनी गलतियों से खुद सीखेगा और उस चीज़ से होगा। मैं इंटरफेयर करके क्या कर रही हूँ, वहाँ पे अपने लिए नया कर्म बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके लाइफ में इंटरफेयर किया। अरे उसने गलत किया, सही किया, उसको क्रिटिसिज्म किया, उसकी बातें दूसरों को बताई, ये सब किया, तो क्या कर रही हूँ, उसका मैं उसका नुकसान ही कर रही हूँ। अगेन लव एंड लाइट प्रिंसिपल पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको नुकसान कर रही हूँ, तो लव एंड लाइट प्रिंसिपल अगेन इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट होता है तो दोस्तों वापस क्या होता है, कर्मा। नोजीनेस और क्रिटिसिज्म दो अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी एकत्र करने का तरीका है जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब नोजीनेस क्या है, मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ और जैसे ही मौका पड़े मैं आपके खिलाफ उसको एज अ शस्त्र में यूज़ करने वाली हूँ, और यह उसके व्यक्तित्व या उनकी विफलताओं का एक उपयोग करने का एक तरीका है। कभी कभी फिजियोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन भी मतलब फिजियोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन भी हो जाता है। मतलब हम क्या करें, मेंटली मैं आपका दो अलग अलग चीज़ है, मैं जो नोजीनेस से मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको तकलीफ़ दी, तो ये क्या हो रहा, मैंने एक्सप्लॉइट किया सामने वाले को। अगर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ तो मैं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, उस एक्सप्लॉयटेशन का जो भी कर्म बनता है वो मेरे अकाउंट में होता है। तो महान ऋषियों का यही कहते हैं कि पड़ोसी के मार्ग को उसके मार्ग में जाने दीजिए, हमारा उनसे कोई भी हम उनसे सरोकार होना नहीं चाहिए, मतलब नोजीनेस हमारा होना ही नहीं चाहिए, और क्रिटिसिज्म तो दूर की बात है। अगर मैं इस चीज़ का लर्निंग को हूँ तो हमारा यही होगा कि हम दूसरों का क्रिटिसिज्म या फिर नोजीनेस अपना ना रखें, दूसरों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दें, और लव और लाइट एंड ब्यूटी ये तीनों चीज़ों के लिए ही हम काम करना है, ताकि हम कम से कम कर्म बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे और चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में ही। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।